देश भर के स्कूलों में नए सेशन स्टार्ट की प्रक्रिया जारी है, जहां बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। ऐसे में कई स्कूल प्रबंधक द्वारा टीसी देने के नाम पर रिश्वत का चढ़ावा चढ़ाना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर टीसी निर्गत किया जा रहा है। ताजा मामला रीवा का है, जहां शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय इन दिनों लूट का अड्डा बना हुआ है। कार्यालय के कर्मचारी काउंटर साइन के बदले पैसे की मांग करते हैं। ऐसे में बच्चे के अभिभावकों ने संबंधित पदाधिकारी से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम संजीता सिंह है। हाँ, मैं टीसी में काउंटर साइन करवाने गई थी, तो वहाँ बोला गया कि अभी अधिकारी है नहीं, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे जमा कर दीजिए, एक घंटे बाद आएंगे। तो हमने एक घंटे इंतज़ार किया। एक घंटे इंतज़ार करने के बाद जब वहाँ जाते हैं तो बोलते वो आपका काम जल्दी करवा दिया गया है, तो आप उसका थोड़ा सा खर्चा पानी के लिए। वो बाबू थे कोई वहाँ, तो उनके पास पहले भी गए हैं तो बोले अधिकारी नहीं, फिर वही सिग्नेचर करके और दे दे। बोल रहे थे काम जल्दी करवा दिया गया है आपका, नहीं तो ये लेट होता। कौन सा काम करवाने गए थे? टीसी में काउंटर साइन करवाने। मैं ये चाहती हूँ कि जब सरकारी कर्मचारियों को इतना ऑलरेडी वेतन मिलता है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का जो काम हो या सरकारी का काम हो, तो उसको ईमानदारी से किया जाए, ना कि उसका लेन देन करके लोगों को त्रस्त किया जाए। हाँ, मेरा काम तो हुआ, लेकिन कुछ लोग पैसे की वजह से परेशान भी हो जाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबका काम नियमित और अच्छे तरीके से हो और इसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो। हाँ, मैं एक घंटे से ऊपर बैठी, मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद भी बोला गया कि वो आपका टीसी में साइन करवा दिया गया है, तो आप ऐसा करिए कुछ खर्चे पर्चे दे दीजिए चाय नाश्ते के लिए। मैं ग्राम सगौनी जिला सतना की रहने वाली हूँ और मेरे बच्चे रीवा जिला में पढ़ते थे, तो उनका यहाँ पे डीओ ऑफिस में रीगा से सिग्नेचर होना था। मैं वैसे टीचर हूँ, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में टीचर, लेकिन मुझे पहले भी शिकायत मिल चुकी है कि वहाँ जाने के बाद पैसे लिए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद चल के देख लूँ। मैंने नहीं दिए, मैंने उनसे बोला इसमें कोई पैसे नहीं लगते।